सब्सक्राइब करें बी विस्टर चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है साहिल, आप देख रहे हैं बी विस्टर खबरें जिसमें आपका फायदा। जी हां, खबरें जिसमें आपका फायदा। तो चलिए देखते हैं आज की पहली खबर क्या आ रही है। जो पहली खबर आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नई वैकेंसीज निकली हैं चेन्नई मेट्रो रेल रिक्रूटमेंट 2020। करीबन 10 वैकेंसीज निकली हैं हायर पोजीशन के लिए, जिसमें मैं आपको ये बता दूं जो ये वैकेंसीज हैं ये 2 सालों के लिए की जाएगी और 9 जुलाई 2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 90,000 से लेकर 1,20,000 रुपये के आसपास आपको सैलरी इसमें मिल सकती है एज पर योर डेजिग्नेशन। और डेजिग्नेशन की बात की जाए तो इसके अंदर DGM, JGM, AGM में सिविल के अंदर 2 पोस्ट निकली हैं, डिजाइन के अंदर 4 पोस्ट निकली हैं और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के अंदर 1 पोस्ट है और आर्किटेक्चर के अंदर 3 पोस्ट हैं। और साथ ही साथ अब आपको इसके एड्रेस पे जहां पर आपको वो भेजना होगा अपना एप्लीकेशन, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। चीफ जनरल मैनेजर HR चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड CMRL डिपार्टमेंट एडमिन बिल्डिंग पुनमली हाई रोड कोयम्बटूर चेन्नई 600107 के एड्रेस पर आपको भेजनी होगी। और एक चीज और बता दूं, आप ईमेल आईडी के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ईमेल आईडी है dmhr@cmrl.in पर जाकर भी आप आवेदन कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इसके अंदर अगर फीस की बात की जाए वो जो होगी वो अनारक्षित कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपये होगी जो कि वापस नहीं की जाएगी। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 50 रुपये होगी और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं होगी। और कैंडिडेट्स को MS चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड के नाम पर जो है डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा जो कि पेबल एट चेन्नई के लिए होगा। जी हाँ, तो ये सारी डिटेल्स हैं। तो चलिए देखते हैं अगली खबर क्या आ रही है। जो अगली खबर आ रही है, मोटरोला ने एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है जिसका नाम है वन फ्यूजन प्लस। इसके क्या फीचर्स हैं ये मैं आपको बता देता हूं, जिसमें सबसे पहले जो है ड्यूल सिम होगी और 4G वॉल्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.0 वाईफाई GPS 3.5 mm हेडफोन चेक और साथ ही साथ USB पोर्ट टाइप C जैसे फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। अगर आप फोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये फीचर्स आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगली खबर क्या आ रही है। जो अगली खबर आ रही है, एडिडास ने एक नया फेस मास्क जो है लॉन्च किया है इसकी मांग को देखते हुए, और इस मास्क को आप बार बार यूज कर सकते हैं, दैट इज रीयूजेबल। और साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि अगर हम फेस मास्क डालकर बाहर नहीं जाते हैं तो इसके लिए हमें जुर्माना भरना पड़ रहा है, ऐसा कुछ शहरों में देखा जा रहा है जो कि 500 रुपये तक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने एक ऐसा फेस मास्क तैयार किया है जो कि आप बार बार यूज कर पाएंगे और उसका फायदा उठा पाएंगे। चलिए देखते हैं अगली खबर क्या आ रही है। तो अगली खबर आ रही है, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने एक सुविधा लॉन्च की है। जो लोग बिजली ले रहे हैं टाटा पावर से, करीबन 75 लाख लोगों को बिजली दी जा रही है टाटा पावर की तरफ से, तो अगर उनको कोई अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी है तो उसके लिए उन्होंने एक नंबर जारी किया है जिस नंबर पर आप कॉल करते ही डायरेक्ट एक जो है आप मैसेज जो है टाटा पावर के पास पहुंचेगा कि आपको अपनी शिकायत दर्ज करानी है और आपका जो शिकायत का रेजोल्यूशन है, जो उसका समाधान है, वो जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। और ये ना वो नंबर है जिस नंबर पर आपको मिस कॉल या कॉल करना होगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।